कांग्रेस और देश चाहता है राहुल गांधी जी पीएम बने। बहुत हिंदू मुसलमान हो गया, नफरत की राजनीति छोड़ देनी चाहिए तेजस्वी जी, मोहब्बत भी कर लेते बगल में जाके अपने इंडिया गठबंधन से। राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है। मैं हमेशा लालू जी के आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। रावण ने भी तो शिव की पूजा की ही न थी। आज का दिन मेरी जिंदगी के अध्याय का है कि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूंगा, चाहे वो लालू यादव जी की दोनों बच्ची हो, वहां भी जाके मदद करूंगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर एस्टेब्लिश्ड हो, कांग्रेस और देश चाहता है राहुल गांधी जी पीएम बने। बहुत जात पात हो गया, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया। अब इस देश की इकोनॉमी की बात हो, इस देश के युवाओं की बात हो, ये मैं यही इतने जानता हूँ। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ आपको। मेरा बहुत साफ है कि पूर्णिया कोसी सीमांचल को नंबर वन करूंगा, आपको दिखेगा 4 जून के बाद। मैंने सिर्फ इतना फिर कहूंगा, नफरत की राजनीति छोड़ देनी चाहिए तेजस्वी जी, मोहब्बत भी कर लेते बगल में जाके अपने इंडिया गठबंधन से। आप आए तो बगल में मोहब्बत में क्या दिक्कत थी। और राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है, हम दोनों लोग मिलकर के चले। हम इतना ही कहेंगे, हम दोनों का सपना कोसी सीमांचल का विकास होना चाहिए, हम दोनों का सपना हर परिवार की इकोनॉमी होनी चाहिए, हर आने वाले युवाओं के लिए उसकी खुशी होनी चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि आप आ करके या कहना कि मेरी लड़ाई है। अब आप भाई हो, आप जानो क्या लड़ाई है आपकी, लेकिन ये सही नहीं है। लालू जी का इतना नफरत अपेक्षा करते हैं। मैं हमेशा लालू जी के आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। रावण ने भी तो शिव की पूजा की ही न थी, और दुर्योधन भी तो कृष्ण से आशीर्वाद मांगने गए थे ना। कृष्ण का कर्ण का समर्पण ही ना कर्ण की नैतिकता को रोक दी, समर्पण में कमी थी। मेरा समर्पण है और मेरा समर्पण विचारधारा के साथ है। मैं हर परिवार से, बिहार के हर परिवार से प्यार करता हूँ और हर लोगों के प्रति मेरी भीतर से इज्जत है। इस बिहार और देश के लोग पूजा तो कर लेते हैं, पैर छू लेते हैं लोगों का, लेकिन लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। मैं लोगों की इज्जत करता हूँ, और इज्जत का मतलब खाली पेट भजन नहीं, इज्जत का मतलब इज्जत, मतलब कंप्लीट समर्पण सिलेंडर। अब मेरा आग्रह है कि देश की जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, मैं इतना ही जानता हूँ। और फोन कॉल आया था राहुल जी से या? मुझे कोई कॉल नहीं आया, कॉल आया था राजद परिवार से, और वो लीडर है जिनका भी कॉल आया था, और उन्हें लास्ट में भी उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़ जाइए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो आरजेडी का ही टिकट आप हमको पूर्णिया के लिए दे दीजिए।